सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, शाहरुख खान की मूवी डंकी की एडवांस बुकिंग ओवरसीज में तो सभी जगह स्टार्ट है, इंडिया में से स्टार्ट होना अभी बाकी है। लेकिन मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ओवरसीज की जो एडवांस बुकिंग है वो डंकी मूवी की बहुत ही ज्यादा कम हो रही है। अगर हम कंपेरिजन करेंगे सलार मूवी का, उससे लगभग 5-6 गुना कम डंकी की एडवांस बुकिंग हो रही है। अभी दोस्तों डंकी की ऑफिशियल एडवांस बुकिंग 5 से 6 बड़ी बड़ी कंट्री की निकल कर आई है, जो कि बेहद ही कम है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कहां कहां पर डंकी मूवी की कितनी कितनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। सबसे पहले दोस्तों यूएसए से, तो यूएसए से डंकी की $55,000 की एडवांस बुकिंग हुई है, जो कि इंडियन रुपीस में मात्र 45 लाख रुपए होता है। वहीं पर यूके से £15,000 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जो कि इंडियन रुपीस में 15 लाख रुपए होता है। वहीं पर यूएई से $7,000 की एडवांस बुकिंग हुई है, जो कि इंडियन रुपीस में 5.84 लाख रुपीस होता है। लास्ट में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से $33,000 की एडवांस बुकिंग हुई है, जो कि इंडियन रुपीस में मात्र 18 लाख रुपए होता है। अब दोस्तों इंडिया छोड़ के बाकी पूरे ओवरसीज में, यानी कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो डंकी की एडवांस बुकिंग है वो $2 लाख की हो चुकी है, जो कि इंडियन रुपीस में सिर्फ और सिर्फ 1.66 करोड़ होता है। यानी कि दोस्तों 21 दिसंबर को आने में आज से सिर्फ 10 दिन का समय बाकी है। आज दोस्तों 11 तारीख है, 11 दिसंबर है, और यानी कि 10 दिन बाद 21 दिसंबर को मूवी रिलीज होना है, और 10 दिन पहले डंकी की ओवरसीज में एडवांस बुकिंग मात्र 1.66 करोड़ की हुई है, जो कि बेहद ही कम है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि ओवरसीज में अभी तक 10 दिन पहले कम से कम 5 करोड़ की एडवांस बुकिंग होगी, लेकिन डंकी हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। फिलहाल दोस्तों आप बताइए कि आप डंकी के लिए कितने एक्साइटेड हैं, आपको क्या लगता है पठान और जवान की तरह डंकी भी 1,000 करोड़ का कलेक्शन करेगी या उससे चूक जाएगी। आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।